तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो गया हूँ एक नया जो है अपडेट, जो कि आपका भूमि सर्वे को लेकर है। और क्या है मंत्री जी का नया आदेश, उसके बारे में सभी चीज़ों की जानकारी जो है हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, बाढ़ पीड़ितों के नष्ट हुए भूमि दस्तावेज को मुहैया कराएगी सरकार, इसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो आई है। आप सभी को जैसे कि पता होगा कि बिहार में जो है लगभग 16 से 17 जिलों में जो है बाढ़ का प्रकोप जो है जारी है। तो ऐसे में उनका जो है दस्तावेज जो है या तो नष्ट हो गए हैं या बाढ़ में बह गए हैं। तो उनका जो है सर्वे किस तरीके से होगा, इसके बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट जो है सरकार की तरफ से आया है। मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आदेश दिया गया है और जो मंत्री हैं दिलीप जसवाल जी, उनके तरफ से भी ज़बरदस्त जो है अपडेट निकल के आया है। तो क्या है पूरा अपडेट आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पेपर का कटआउट है, इसमें आपको क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, बाढ़ पीड़ितों के खोए या नष्ट हुए भूमि दस्तावेज सरकार जो है मुहैया कराएगी, उसके बाद जो है उनका सर्वे कराया जाएगा। तो किस तरीके से सर्वे कराया जाए उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा हम लोग ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बताया कि बाढ़ पीड़ितों के नष्ट या खोए हुए जमीन के दस्तावेज राज्य सरकार मुहैया कराएगी। उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित 16 जिलों के लेकर विभाग ने गुरुवार की शाम यह निर्णय लिया। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित जिलों से लगातार इस तरीके की शिकायतें, सूचनाएं एवं गुहार आ रही थी। दरअसल अचानक बांध टूटने से पानी आया और लोगों के सामान नष्ट हो गए हैं। बाढ़ के पानी से बड़ी संख्या में रैयतों के जमीन के कागजात भी भींग कर खराब हो गए हैं या नष्ट हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि आप सभी को पता ही होगा कि आप लोग बिहार में रह रहे हैं तो लगभग 16 जिलों में जो बाढ़ आ गया है, जिसके वजह से पानी घर में घुस गया है। घर में घुसने की वजह से जो है आपके कागजात वगैरह, सामान वगैरह सभी चीज़ नष्ट हो गया है। तो ऐसे स्थिति में आपका जो है सर्वे किस तरह किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने अपना एक अल्टीमेटम जारी किया है। उन्होंने क्या बताया है उसके बारे में यह अपडेट जो है दी गई है। मैं बाढ़ प्रभावित सभी जिलों के जो 16 जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार और खगड़िया के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि वे इसको लेकर कोई चिंता नहीं करें। जमीन के डीड या अन्य कागजात की क्षति हुई है तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसको जो है उपलब्ध कराएगा, उसके बाद जो है आपका जो है सर्वे का कार्य को पूरा किया जाएगा। तो ये अपडेट जो है डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने खुद अपने वक्तव्य में प्रेस के माध्यम से जो है बताया है। सर्वे में विशेष राहत की बात भी कही गई है। मंत्री डॉक्टर जायसवाल ने बताया है कि बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लोगों को जमीन सर्वे के कार्यों भी विशेष राहत दी जाएगी। सर्वे के लिए उन्हें अतिरिक्त समय और सुविधाएँ हम प्रदान करेंगे। सरकार फिलहाल इन जिलों के लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के तत्पर में जुटी है। इसका मतलब आपको देखिए, इससे आपको समझना होगा कि आपको जो है बहुत अधिक जो है अतिरिक्त समय भी मिल जाएगा, यानी कि आपको 2025 में भी आप इसका जो है करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास ये भी समय मिल जाएगा कि अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है, नष्ट हो गए हैं, तो उसको जो है आप जो है सरकार खुद उसको मुहैया करवाएगी। तो आपको जो है समस्या जो है आपका दूर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़बरदस्त अपडेट जो है आपका निकल के आया है, जो कि भूमि सुधार विभाग की तरफ से आया है आपका जमीन सर्वे को लेकर के। तो ये थी अपडेट, आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आई होगी। छोटी सी अपडेट थे बिहार भूमि सर्वे को लेकर, मंत्री जी का ये आदेश था कि और जो नोटिस जारी किया गया है कि बाढ़ पीड़ितों के भूमि जो दस्तावेज जो है मुहैया करवाएगी सरकार खुद। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और आपके पास समय भी, आपको हड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।